हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं गदरपुर, गदरपुर की ये सेकंड गर्ल्स हैं जिन्होंने आज स्कूटी परचेज किया है और काफ़ी एक्साइटमेंट में दिख रही हैं, क्योंकि वाकई में आज से कुछ मंथ पहले इन्होंने एडमिशन लिया था और ये नहीं सोचा था कि शायद मैं इतनी जल्दी स्कूटी परचेज कर पाऊँगी, लेकिन आज इन्होंने सही तरीके से काम किया, सिस्टम पे बिलीव करके, सिस्टम में आ करके जैसे सीनियर ने बोला वैसे काम किया और आज एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लवली स्कूटी परचेज किया। और चलिए जानते हैं मिस काजल जी से उनको क्या फील हो रहा है, उनकी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा देखते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, सो फ्रेंड्स, आज आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक एजेंसी में खड़ी हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, बस यही कन्फ्यूज़न डाउट थे कि यार कहीं फेक तो नहीं है कभी, मीन्स की बहुत सारे डाउट थे मन में। लेकिन एक बात ही जो जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया वो थी मीन्स मीनू मैम, तो सबसे पहले मैं इनको थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि इन्हीं के वजह से ये मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है। मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं बोलना चाहूँगी मिस्टर सतीश सर को, जो मेरे सीनियर हैं, जिन्होंने पल पल मुझे गाइड किया, बताया, मीन्स की कोई भी प्रॉब्लम आई आज तक के किसी भी सिचुएशन में, मीन्स की उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया। तो फ्रेंड्स, जो मेरा ड्रीम था, जो मेरा सपना था, आज वो मेरे सामने है, आज मैंने वो अचीव कर ली है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप भी दिल लगा करके काम कीजिए, मैंने स्मार्ट वैल्यू में बिल्कुल एकदम धमाके से काम कीजिए और अपना ड्रीम परचेज करिए। ओके मैम, आपके पापा जी भी आए हुए हैं? अच्छा, किधर है पापा जी? ओके, आइए एक मिनट के लिए। ये देख सकते हैं मिस काजल जी के पापा जी हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि बस थोड़ा सा कुछ बताएं कि क्या आपकी बेटी जहाँ पे आई है, क्या वो सही काम कर रही है, मतलब लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है सर? करना चाहिए, जब आई उसमें काम तक पहुँचे बच्ची हमारी तो अच्छा लगा जी। आपको खुशी है आज आपकी लड़की ने स्कूटी परचेज किया, खुशी है? ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि आज ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो इंडस्ट्री है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी छोटी छोटी गर्ल्स लोग जो इस इंडस्ट्री में केवल और केवल अपनी एजुकेशन के लिए, अपना करियर बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में आई थी। और धीरे आज देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग, एसोसिएट लोग आज इस एजेंसी में आ करके अपना अपना गोल सेट को आज फील किया कि मुझे भी एक महीने, दो महीने, तीन महीने बाद मुझे स्कूटी परचेज करना है। और सब लोग दिल से काम कर रहे हैं और सभी लोग जैसे जैसे जो जो उनका गोल सेट का डेट है वो डेट पे वो अपना गोल अचीव कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सही तरीके से सिस्टम को फॉलो कीजिए, जो भी लीगल एथिक वे में जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए और आप भी अपने ड्रीम को 100% अचीव कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट। और एक मिस मीनू जी, मैं ज़रूर चाहूँगा मिस मीनू जी से, क्योंकि इन्होंने ही इनको रिकमेंड किया था। और आपको आज कैसा फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ मीनू पाल बैगिबेशन, आई एम स्टूडेंट एंड स्मार्ट वैली फ्रॉम उत्तराखंड। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे, जैसे कहते हैं, नर्वसनेस भी फील हो रही है और बहुत ज़्यादा खुशी भी फील हो रही है, क्योंकि आज मैंने एक स्ट्रेंजर को इन्वाइट करके यहाँ पर बुलाया था। मैंने जानती नहीं थी, मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी, लेकिन एक अजनबी को मैंने इन्वाइट किया और आकर के उन्होंने मेरे भरोसे पर एडमिशन लिया और आज वही भरोसा है जो आज इनका ड्रीम है, सक्सेसफुल हो पाया है। इनकी जो ड्रीम स्कूटी थी फसीनो, आज उन्होंने यहाँ से इन्होंने परचेज किए। तो सीरियसली गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और स्पेशली खुशी इस बात की भी होती है कि हमारा जूनियर जब आगे बढ़ता है तो स्पेशली ना डबल खुशी होती है। तो बस आप भी एक विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं है गाइस। तो मेहनत कीजिए और सभी लोग अपने अपने ड्रीम को फुलफिल करते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए, एक और इनकी एक सीनियर हैं, मैं उनसे भी जरूर चाहूँगा कि उन्हें क्या फील हो रहा है, उनके जूनियर ने आज इस स्कूटी को परचेज किया, मिस आंचल मैम, क्योंकि इनकी अचीवमेंट में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो क्या फील कर रही हैं, ज़रूर मैं चाहूँगा बोले। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ आंचल कश्यप, बाय ऑक्यूपेशन आई एम स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम गदरपुर उत्तराखंड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज काजल मैम ने अपनी ड्रीम स्कूटी को अचीव किया। देखा जाए तो कुछ टाइम पहले जब इन्होंने एडमिशन लिया था किसी को ये नहीं जानती थी, हालांकि मीनू मैम तक को नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनसे हमारी फ्रेंडशिप बढ़ी, जैसे जैसे इंट्रोडक्शन बढ़ा और आज जैसे जैसे पल पल इन्होंने हमारी बातों को माना, हमारी गाइडलाइंस को इन्होंने फॉलो किया और आज जैसे देख रहे हैं हम कि अपनी ड्रीम्स को ये अचीव करती हुई, तो मैं बता नहीं सकती कि शायद इनके दिल में भी इतनी खुशी नहीं, इनके पेरेंट्स के भी शायद इनके दिल में इतनी खुशी नहीं हो रही होगी जितनी हम दोनों के दिल में हो रही है, मतलब हम बयां नहीं कर सकते, बहुत अच्छा। ओके ओके, थैंक यू।
चले। तो एक और ग्रेट सीनियर है इनके, जो वाकई में इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इनको आगे बढ़ाने में, बहुत ज़्यादा मैं ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि इनको देख करके बहुत सारे लोगों ने अपने अचीवमेंट को स्टार्ट करना अचीव करना स्टार्ट कर दिया। तो मिस कोमल मैम से ज़रूर चाहूँगा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय सेल्फ कोमल अली बाय प्रोफेशन, आई एम इंडिपेंडेंट फ्रॉम बदरपुर। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, आज जो मेरी टीम की लीडर है मिस काजल मैम, उन्होंने अपनी इनकम से स्कूटी परचेज की, खासकर लॉकडाउन के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस समय कोरोना जैसे जो एक बीमारी है उसके अंदर वो खाना तक नसीब नहीं हो रहा, और किसी ने इतनी कम एज में उन्होंने अपनी इनकम से स्कूटी परचेज की, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। खासकर जितनी भी मेरी यहाँ पर गर्ल्स है उनके लिए मैं चाहूँगी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी गर्ल्स है या बॉयज़ है, ना बैठे ये कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ जैसे कि आप जैसे कोरोना जैसे लोगों को खाना तक नसीब नहीं, पर यहाँ पर अपनी इनकम से स्कूटी परचेज की है, मैं चाहूँगी आप लोग ये विश्वास करिए, हम पर नहीं सिस्टम पर नहीं, जो भी आपको जिस भी फ्रेंड्स ने आपको यहाँ के बारे में बताया है आप उसे बिलीव करिए, भरोसा करिए, एडमिशन लीजिए, आइए, करने से करने मिला के हम लोग वर्क करेंगे आगे। ओके थैंक यू। चलिए तो इन्हीं के साथ में लास्ट एक और सेलिब्रिटी से मैं जरूर चाहूँगा कि वो भी कुछ बोले मिस काजल जी के लिए। पहले तो मैं काजल मैम को ढेर सारी बधाइयां दे रही हूँ, और उन्होंने अपने फर्स्ट ड्रीम को पूरा किया है, और मैं चाहती हूँ कि ये और भी इस आगे का भी अपना ड्रीम पूरा करें और खूब जोर जोर में आए, क्योंकि अब स्कूटी आ गई है, और भी एकदम फील्ड में दौड़ाना है और जोर जोर में काम करना है, बाकी टीम को भी ऐसे ही स्कूटी और बाइक कार जो भी है सब कुछ परचेज कराना है। और स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोलूँगी कि यदि काजल मैम कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ये माइंड में नहीं रखना कि कोरोना चल रहा है ये वो, ये बस अपने मन को वह फालतू जगह पर ले जाने की ज़रूरत है। ऐसा है कि आप एकदम लग के दिल से काम कीजिए 100%, यदि आपको अपने पे विश्वास है तो आप दुनिया का हर काम पूरा कर सकते हो और हर ड्रीम पूरा कर सकते हो, और अपने आप पे बिलीव रखिए और अपनी फैमिली को बिलीव कराइए कि हाँ सिस्टम बहुत पावरफुल है और मेरे को यहाँ से सब कुछ करना है। एक लड़की को अपनी फैमिली के लिए सब कुछ, यही स्मार्ट वैल्यू ऐसी जगह है जहाँ से वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे वो ये यहाँ से जो भी अचीवमेंट करती है वो कर पाए, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू है जो कि ये कर पाएंगे। इसीलिए मैं इनको ढेर सारी बधाइयां दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये और आगे बढ़े और तरक्की करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी को कहते हैं स्मार्ट वैल्यू की पावर। ओके।